अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम पढ़ने लगे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन आर डेली लाइफ, कि किस तरह से हमारी डेली लाइफ में या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन रोल प्ले करता है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हमारे हम लोग कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे घर से, हाउसेस में हम लोग देखें, हम लोग सुई गैस यानी जिसको हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं, हम उसको बर्न करते हैं। अब उसको बर्न करने से हम लोग को दो फ़ायदे होते हैं, या तो हम विंटर्स में हीटर्स वगैरह यूज़ करते हैं जो हम लोग की बॉडी को वार्म अप करता है, वहाँ पे भी हमारे नेचुरल गैस बर्न हो रही है, वो बर्न हो रही है, उसकी बर्निंग जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, इसके अलावा जो हाउसेज में हम लोग करते हैं, हम लोग उसको जो है जब बर्न करते हैं नेचुरल गैस को, तो हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, उस हीट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं हमारे कुकिंग पर्पसेस के लिए, हम लोग फूड को पकाने के लिए जो है ना हीट, उस हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं। इस तरह से हाउसेज में दो जगहों पर, एक तो हमारी वार्म अप के लिए और सेकेंड ये हमारे कुकिंग पर्पसेस में जो है ना एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं व्हीकल्स की। व्हीकल्स में भी हम लोगों को पता है पेट्रोल एक नेचुरल गैस का ही पार्ट है, उसको हम बर्न अप करते हैं। उसका मैंने आपको बताया बर्निंग के सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं। ओके, तो जब हम व्हीकल्स में उस पेट्रोल को बर्न अप करते हैं तो उसके रिजल्ट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो वो हीट एनर्जी क्या करती है, उस व्हीकल के चलने में हेल्प आउट करती है। कैसे हेल्प आउट करती है? व्हीकल्स के केस में क्या होता है कि हमारे पास जो टायर होता है उसके साथ एक पिस्टन अटैच होती है, ठीक है। जब वो हमारे पास जो हमारा पेट्रोल है वो बर्न अप होके गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैसेस आके इस पिस्टन पे आके प्रेशर अप्लाई करती हैं, ठीक है। जब इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई होता है तो ये फॉरवर्ड मूव करता है, और इसके फॉरवर्ड मूव होने की वजह से हमारा टायर जो है रोटेट होता है। इस तरह से हमारी जो व्हीकल्स हैं वो वर्कआउट करती हैं। ओके, इसके अलावा थर्मल पावर स्टेशन में एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है सल्फ़र को बर्न करने का, कि सल्फ़र हम लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। उस हीट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में यूज़ करते हैं, उस हीट एनर्जी को यूज़ करके हम अपने जनरेटर वगैरह जो है ना रनअप करते हैं, इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। और इसके अलावा जो है यानी कि ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर रहे हैं। इसके अलावा एक है जो हमारे पास होते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स, एक्सप्लोजन्स वगैरह, गन पाउडर्स वगैरह, उन सब को जब हम जलाते हैं तो हम लोग को पता है जब हम किसी भी गन से जो है फायर करते हैं तो उससे एक थोड़ा सा स्मोक प्रोड्यूस होता है, या वो हमारे जो बुलेट होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। वो गर्म क्यों होती है? क्योंकि उसका उस गन से बाहर जाना भी जो है ना एक, या गन पाउडर का जलना वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में जो है ना वो बुलेट जो है उस गन से रिलीज़ होती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।